इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस के बारे में। तो जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस होती है उनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। वो मिलके पूरा एक लैप्रोस्कोपिक सेट बनाएगा। तो इसमें फर्स्ट रहेगा इक्विपमेंट कार्ड, एक ट्रॉली होती है जिसके अंदर हम सारी ये जो डिवाइसेस रहती है उनको रखते हैं जो कि लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन करने में यूज होती है। दूसरा रहेगा इंसपलेटिंग सिस्टम, तो इसके अंदर जो CO2 का इंसपलेटिंग सिस्टम होता है वो आता है। तीसरा रहेगा इमेजिंग सिस्टम जिसके द्वारा हम ऑपरेशन को मॉनिटर पर देख पाते हैं। और चौथा रहेगा इंस्ट्रूमेंट, जो भी ऑपरेशन में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनको रखेंगे। फिर लास्ट रहेगा इलेक्ट्रोसर्जिकल कोटरी सिस्टम, जो कोटरी मशीन्स रहती है उनको और उनकी जो केबल है उसको इसमें रखेंगे। तो फर्स्ट जानेंगे इक्विपमेंट कार्ड के बारे में। इक्विपमेंट कार्ड ये आप जो देख रहे हो वीडियो में, ये इक्विपमेंट कार्ड है। तो इसके अंदर अलग अलग सेल्फ बने होते हैं। जो ऊपर का सेल्फ रहता है उसमें हम मॉनिटर फिट कर देते हैं, और जो सेकंड सेल्फ रहता है उसके अंदर हम लाइट सोर्स रख देंगे। नेक्स्ट में हम जो CO2 इंसपलेटर सिस्टम होता है उसको रखेंगे, और इलेक्ट्रोसर्जिकल सेल्फ रहता है तो इसमें हम कोटरी मशीन को रखेंगे। अब जानेंगे इंसपलेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, एक CO2 सिलेंडर रहेगा, एक CO2 केबल रहेगी जिसको हम सिलेंडर से कनेक्ट करके इंसपलेटर में कनेक्ट कर देंगे। और एक CO2 केबल हो गया, अब रहेगा इंसपलेटर। जो ये सिस्टम, ये जो मशीन दिख रही है ये है इंसपलेटर, और एक अलग से केबल आएगी जिसको इंसपलेटर में कनेक्ट करके हम मरीज को कनेक्ट करेंगे। ये हमारी रहेगी लैप्रोस्कोपिक ट्रॉली, इसमें अलग अलग सेल्फ बने होते हैं, तो उसमें हम अपनी जो मशीनें होती है डिवाइसेस उनको रख सकते हैं। ये जो ऊपर ही ऊपर है ये हमारा मॉनिटर रहेगा लैप्रोस्कोपी के लिए, ये हमारा रहेगा कैमरा, और ये लाइट सोर्स रहेगा। इसमें लाइट सोर्स केबल लगा के हम अंदर विजुलाइजेशन करेंगे। ये TURP मशीन है, तो ये लैप्रोस्कोपी में जब TURP करते हैं तो उसमें यूज होती है। ये रहेगा हमारा इंडोसपलेटर, इससे हम CO2 मरीज को अंदर उसकी जो एब्डोमन रहता है तो उसमें CO2 इसी से डिलीवर करेंगे। और ये रहेगा हमारा कोटरी मशीन, पीछे इसमें ये CO2 सिलेंडर कनेक्ट रहता है जिससे हम CO2 पेशेंट को अंदर डिलीवर कर सकें। लैप्रोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो रहेंगे ट्रोकार। ये ट्रोकार दो प्रकार के रहेंगे, 5 mm, 10 mm। ट्रोकार के अंदर ये जो रहता है ऑब्चुरेटर रहता है, ये ऑब्चुरेटर रहेगा, और ये ट्रोकार कैनुला हो गया, ये ऑब्चुरेटर। तो जब भी हम मरीज को सबसे पहले इसको लगा के और इसका जो ट्रोकार है उसको ऑब्चुरेटर को निकाल लेंगे, और इसी से टेलीस्कोप या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इसी के अंदर मरीज के पेट के अंदर डालेंगे। तो ये दो हमारे हो गए ट्रोकार, 5 mm का, 10 mm का। ये रहेगा वेरस नीडल, इसके द्वारा हम CO2 अंदर पेट में डालेंगे। ये रहेगा हमारा नीडल होल्डर, ये हमारा नीडल होल्डर, ये यहाँ से लॉक हो जाएगा। ये रहेगा नोट टायर, ये हमारा क्लिप एप्लीकेटर रहेगा, इसमें क्लिप फंसा के और हम क्लिप अप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। ये हमारा सीजर, ये पंच बायोप्सी, ये नोट टायर हमारे दो हो गए। ये रहेगा सक्शन इरिगेशन के लिए, इसके द्वारा हम सक्शन कर सकते हैं। ये रहेगा एल हुक इलेक्ट्रोड, इससे हम कोटरी करते हैं। ये हमारा डिसेक्टर रहते हैं डिसेक्ट करने के लिए। ये मेरुलेंट रहेगा इस प्रकार से, ये भी डिसेक्टर है। ये हमारा केबल रहेगा लाइट सोर्स का,
और ये जो इंसपलेट रहता है तो उसमें अटैच करके इसको और पेशेंट को CO2 डिलीवर करेंगे। और ये रहेगा हमारा कैमरा, जिससे कि हम कैमरे में अटैच करके मॉनिटर पर अंदर देख पाएंगे और सर्जरी कर पाएंगे।